नमस्कार, मैं आयुषी गुप्ता ओएनएन न्यूज से। आज मैं खड़ी हूँ गोल्डन ब्लॉसम रिजॉर्ट में, जहाँ पर चंदन हॉस्पिटल को एक साल पूरे हो गए हैं और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। क्या कुछ खास रहा है उनके उस सफर में, क्या कठिनाइयाँ आई हैं और किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, चलिए आपको उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। चेयरपर्सन अमर सिंह के पास लेकर चलते हैं, इस अस्मिता मैम के पास लेकर चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि उनके एक साल के सफर के बारे में। यूँ तो उत्तर प्रदेश में कई हॉस्पिटल हैं, पर चंदन हॉस्पिटल अपने नाम के साथ साथ अपने काम के लिए जाना जाता है। एक ही हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं अपने मरीजों के लिए उपलब्ध कराने के कारण चंदन आसमान की ऊंचाई तक पहुंच गया है। चंदन हॉस्पिटल अपने एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में राजधानी के गोल्डन ब्लॉसम रिजॉर्ट में सेलिब्रेशन का आयोजन किया, जहाँ देश के दिग्गज डॉक्टर्स की उपस्थिति रही। वहीं चंदन हॉस्पिटल में चेयरपर्सन डॉक्टर अमर सिंह और मिस अस्मिता जी ने अपने मधुर वचनों के द्वारा जूनियर डॉक्टर का गौरव बढ़ाया। साथ ही ओमनी केयर हेल्थ हाउस से डॉक्टर आर के ठुकराल द्वारा डॉक्टर अमर सिंह को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। जैसा कि चंदन हॉस्पिटल को आज एक साल पूरा हो गया, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है और हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर अमर सिंह जी से हैं, तो उनसे मैं जानती हूँ। सबसे पहले तो मैं उन कॉन्ग्रेट्स करूँगी और उसके बाद मैं उनसे जानना चाहूँगी कि उनका अब तक का एक साल का सफ़र कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा। हम लोग ने एक साल पहले जिस सोच से इस हॉस्पिटल को शुरू किया था कि हम लखनऊ की हेल्थ केयर सर्विसेज को बदलेंगे, और वो हम लोग ने कर दिखाया। चाहे वो रात की सर्विस देना हो, रात में डिलीवरीज हो, रात में सर्जरीज हो, या सारी फैसिलिटीज़ एक ही रूफ के अंदर मिल जाएँ, जिसे मरीज को इधर से उधर कहीं ना जाना पड़े। और हम लोग ने एक साल में कभी किसी पेशेंट को मना नहीं किया, चाहे जितना भी सीरियस हो। ये चीज़ हम लोग ने कर दी पूरे एक साल, और यही हम आगे भी करते रहेंगे। सर, जैसा कि किसी भी काम को अगर शुरू किया जाता है, वो उस सफ़र में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, तो क्या अभी तक कोई परेशानी आई? ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हम लोग के साथ एक यंग टीम है, यंग डॉक्टर्स की टीम है, और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई परेशानी आई। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, काफ़ी एनर्जेटिक टीम थी हमारे साथ, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि इस जर्नी में हमें कभी भी कोई दिक्कत आई हो। हम लोग ने इसको बड़ा स्मूथली किया और बड़ा सक्सेसफुली रन किया। सर, जैसा कि आज यहाँ पर इवेंट में चंदन का असल माइंड में मतलब क्या होता है वो बताया गया, तो आपके नज़रिए में चंदन हॉस्पिटल का और चंदन नाम का क्या मतलब है? चंदन नाम का मतलब तो ये है कि हमारे पिताजी का नाम ही चंदन सिंह था, और उनकी एक स्पिरिट थी, उनकी एक ऑनेस्टी थी, जिसको हम लोग ने यहाँ पर परकुलेट किया, और हम उसी ऑनेस्टी और उसी एथिक्स के साथ इस हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं। सर, जैसा कि कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो आप सर पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, पेशेंट के लिए आपके अंदर क्या भावना है, उस बारे में बताएं थोड़ा पेशेंट के लिए। देखिए, हॉस्पिटल तो पेशेंट्स के लिए ही है, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट, ये सब तो पेशेंट्स को ही सर्विस देने के लिए हैं। तो पेशेंट्स की सर्विस को हम लोग ने अटमोस्ट केयर किया, और हर तरीके से पेशेंट्स को हम लोगों ने खुश किया, चाहे उसकी अच्छी सर्विस दी हो, चाहे उसके प्राइजेज अफोर्डेबल रखे हों, और जो सक्सेस रेट है हमारी सर्जरीज़ का, वो भी नियरली 100% रहा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग सर्व कर सके अपने पेशेंट्स को। सर, चंदन हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से अलग है, तो यहाँ जैसे आप बताते हैं कि सारी सुविधाएं यहाँ पर एक साथ दे दी जाती है, तो सर आप अपने शब्दों में बताएं। हाँ, ये और हॉस्पिटल से सबसे अलग इसीलिए है कि यहाँ पर किसी डॉक्टर पे कोई प्रेशर नहीं है, और सब डॉक्टर्स को एक ही मैसेज है कि आप काम करिए, मगर पैसे की चिंता ना करिए, सिर्फ काम करिए, सर्विस दीजिए, और इस लखनऊ की हेल्थ केयर सर्विसेज को बदल डालिए। तो जैसा कि आपको यहाँ पर डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि पैसे की चिंता मत करें, और यहाँ पर जो सुविधाएं आपको मिलेगी वो किसी और हॉस्पिटल में उस तरीके से नहीं मिलती। यही खासियत है कि चंदन की खुशबू ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूर दराज के देशों में भी धीरे धीरे फैल रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अस्मिता सिंह जी जुड़ चुकी हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि उनका अब तक का एक साल का सफ़र कैसा रहा और क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कठिनाइयाँ रहीं, उन्हीं से जानते हैं। हमारा ये पहला साल का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि हम लोगों ने जिस सोच से स्टार्ट करा था, हम उस चीज़ को पूरा कर पाए। हम चाहते थे कि हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट से एक भी पेशेंट कभी ना लौटे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं अंडर वन रूफ दे पाएँ। इस समय हमारे 30 डिपार्टमेंट्स रन कर रहे हैं, और ये सारे ही डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे हम लोग इनको बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जहाँ तक बात है कि अफोर्डेबल कॉस्ट, तो हमारा ये ड्रीम था और ये भी हम पूरा कर पाए, क्योंकि हम मानते हैं कि हम जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं लखनऊ में, हम उनमें से उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम कॉस्ट पे हम उनसे बेहतर सुविधाएं दे पाने में सक्षम हैं अब तक।
मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज चंदन हॉस्पिटल जिन बुलंदियों पे हैं, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ कि तो यही कहूँगी कि आसमां की ऊंचाई पर है, तो इसका आप सबसे बड़ा कारण क्या मानती हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण मैंने बताया अभी कि हम लोगों ने जब स्टार्ट करा तो 30 फैसिलिटीज़ एक साथ अंडर वन रूफ के साथ स्टार्ट करा। कोई भी पेशेंट आता है उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रॉमा का पेशेंट आया है तो ऐसा नहीं है कि सीटी स्कैन कहीं और जाके कराना है, न्यूरो का डॉक्टर नहीं है, ऑर्थो का डॉक्टर नहीं है, एक्सरे नहीं हो पाएगा। सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ है, ये हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न है। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि चंदन हॉस्पिटल के सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में ही मिल जाती है, एक ही हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। मैम से मैं ये जानना चाहूँगी कि इतना जो सफलता उन्हें मिला है, इस हॉस्पिटल को मिला है, तो क्या कहीं कुछ परेशानी, कहीं कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा? जी बिल्कुल, रोज़ कठिनाइयाँ आती हैं, रोज़ हम लोग नए नए सिस्टम बनाते हैं, रोज़ हमें हमारे पेशेंट्स ही सिखाते हैं कि ये दिक्कत आ रही है, उससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। बस हमारे मैनेजमेंट में ये अच्छा ही ज़रूर है कि हम जैसे हर एक ओपीडी पेशेंट, हर एक आईपीडी पेशेंट से फीडबैक लेते हैं, तो हमें पता है कि हमें क्या चीज़ सुधारना है और वही डेली बेसिस पे हम लोग सुधारते चलते हैं। हमारे पेशेंट्स ही हैं जो हमें आगे लेके जाएंगे। मैम, जैसा कि अभी अंदर किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताया जा रहा था, तो उस बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, हम लोग एक साल के अंदर अंदर किडनी ट्रांसप्लांट का लाइसेंस ले पाए हैं और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं क्योंकि डॉक्टर मनमीत जो हमारे यूरोलॉजी हेड हैं उनकी वजह से। अब लाइसेंस हमें मिल चुका है, हमारा पहला पेशेंट नेक्स्ट वीक हम लोग ट्रांसप्लांट का करने जा रहे हैं, हम लोग पहला ट्रांसप्लांट नेक्स्ट वीक करने जा रहे हैं। मैम, मेरी तरफ से और ओएनएन की टीम की तरफ से बहुत सारी आपको विशेष की जो आपका ये फर्स्ट ट्रांसप्लांट है वो बहुत अच्छा और बहुत सक्सेसफुली हो।